महाराजगंज की है ललकार। अब की बार मनोज कुमार नगर पंचायत परिषद महाराजगंज से अध्यक्ष पद के अनुभवी उम्मीदवार मनोज कुमार गुप्ता को चुने, अच्छे को चुने, सच्चे को चुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जिलों की टीमों सहित कुल 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मंगलवार को विधायक पौड़ी राजकुमार पुरी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए खेल विभाग के प्रयासों की सराहना की। कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने व आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। वहीं प्रतियोगिता में अपने टीम लेकर पहुंचे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के खेल प्रभारी प्रदीप कुमार कौशल ने कहा कि पौड़ी जिले के रिखड़ी खाल क्षेत्र से कई वॉलीबॉल के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक निकले हैं। कहा कि इस तरह के आयोजन जरूरी है। इस मौके पर प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी गिरीश कुमार सहित वॉलीबॉल खिलाड़ी मौजूद रहे। न्यूज 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। बहुत अच्छा शुभ अवसर है कि पौड़ी में जो है इस तरह का जो वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसके लिए मैं खेल विभाग को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह का आयोजन पौड़ी में करवाया है। इसमें जो है पूरे हमारे उत्तराखंड राज्य की जो है सभी टीमें, सभी जिलों से 13 टीमें हैं और एक टीम मेरे को लगता है स्पोर्ट्स कॉलेज की है। तो इस तरह की जो आयोजन है ये बहुत अच्छा है और मैं शुभकामनाएँ देता हूँ सभी प्रतिभागियों को और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये सब लोग जो है अपने 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 खेल में जो है उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करें और इनका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी मेरी भावना है। और भगवान कुंडली से प्रार्थना करता हूँ कि सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और इनका जीवन जो है उज्जवल हो। ये खेल विभाग की एक अच्छी पहल है जिसमें वॉलीबॉल को प्रमोट करने के लिए इन्होंने राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इसमें ऐसा नहीं कि पौड़ी में वॉलीबॉल नहीं होता था, पहले एक वॉलीबॉल यहाँ एक रिखड़ी खाले की जगह है जिसमें वॉलीबॉल के अच्छे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले हैं। ऐसा नहीं वॉलीबॉल पौड़ी में नहीं है, लेकिन अब ये थोड़ा सा क्रिकेट और फुटबॉल और वॉलीबॉल की सुविधाएं ना होने के कारण यहाँ थोड़ा सा वॉलीबॉल कम हुआ है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।